with the goods and services tax. ये हमारा आज की कक्षा का पहला लेक्चर है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ये टैक्स बनाया है. कोई इसको बोलता है गुड एंड सिंपल टैक्स. मोदी जी कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स और राहुल गांधी जी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स. गब्बर सिंह टैक्स. बट मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन गब्बर सिंह टैक्स की पॉलिटिकल है और ये इंटरप्रिटेशन बैठती नहीं है. एक्चुअली में इट इज़ अ गुड एंड सिंपल टैक्स. पॉइंट क्या है? क्रिटिसिज्म वो लोग करते हैं जिनको कोई चीज़ समझ नहीं आती. वो लोग भगवान बोलते नहीं होते क्योंकि उनको भगवान समझ नहीं आता. तो जिस चीज़ की समझ नहीं आती है वो चीज़ ऑटोमेटिकली गब्बर सिंह बन जाती है और जो चीज़ समझ आ जाती है वो ऑटोमेटिकली गुड एंड सिंपल हो जाती है. वैसे आप लोगों में से किसी ने पहले आई सपोज जीएसटी पढ़ा हुआ है क्या? बताइएगा, एनी ऑफ यू हैव स्टडीड जीएसटी बिफोर? एनी ऑफ? नहीं जी. बहुत अच्छी बात है. अरे बाबा रे बाबा, वो तो बस यही था कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है और किस पे लगता है इत्यादि. एक दो चार पेज का चैप्टर होगा तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप लोगों को जीएसटी की बिल्कुल ही जानकारी नहीं है. अच्छा, किसी भी टैक्स को समझना है तो उसका जो परिपेक्ष होता है, जो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो क्यों लगाया गया, उससे पहले वैट था, वैट से पहले सेल टैक्स था, ये समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो कुछ ज़रूरत रही होगी, कुछ किल्लत रही होगी, कुछ कमियां रही होंगी जब ही जीएसटी आया. अगर कमियां नहीं होती तो फिर जीएसटी क्यों आता? तो अगर हम किसी भी पढ़ाई को शुरू करने से पहले इस बात को समझ लें कि उसको लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है और किन कमियों की भरपाई करने के लिए वो टैक्स आया है, तो इससे हमें उस विषय को पढ़ने में थोड़ा ज्ञान हमारा बढ़ जाता है और चीज़ रट्टाफिकेशन अप्रोच की बजाय अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच पे आ जाती है. तो मेरा भी इंटेंशन यही रहेगा आज की क्लास में कि मैं आपको थोड़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भले बताऊं. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कह लीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह लीजिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जैसे हमने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था तो हमने पहले डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कब लगाया गया, किसने लगाया, क्यों आया, कमाई पे आया वगैरह वगैरह चीज़ों से एक बेस बिल्डिंग, यू कैन कॉल इट बेस बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है. और मैं अपनी क्लासेस में आपको बताइए इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन पे करता हूँ. पढ़ाना तो वैसे जीएसटी अगर ख़त्म ही करवाना पड़े तो इसको तो 10 क्लासों में लगातार चार चार घंटे की लगाई जाए तो ख़त्म हो सकता है. लेकिन उससे शायद एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाए, लेकिन उससे आगे जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे या किसी को एडवाइस भी देंगे, उसका काम नहीं हो पाएगा. तो इसलिए 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएं, 4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएं. इम्पॉर्टेंट इज़ टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड्स. अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल ग्लिच या कोई भी टेक्नोलॉजिकल एरर हो साउंड में, ऑडियो में, विजुअल्स में, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा सो दैट आई कैन रेक्टिफाई फ्रॉम माई एंड. वैसे तो अन्यथा होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल अगर होता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा. ठीक है, चलो बिफोर आई स्टार्ट विद जीएसटी, पहले थोड़ा सा हम अपने भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़े से, जो उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं टैक्स से रिलेटेड, उसको पढ़ें. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं तो ये भी राय दूंगा आप लोगों को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ें थोड़ा सा. सर पढ़ाई तो होती नहीं है नॉर्मली हमसे. अभी बच्चों से बात हो रही थी कि सैड संडे कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ बच्चे कह रहे थे. तो लेकिन भाई आपको जो टैक्स का सोर्स है या जो हिंदुस्तान में लॉ का सोर्स है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है.
तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई कह रहा हूँ कि आप उसके घोटे लगाइए, रट्टे लगाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ कुछ मेन मेन अहम आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, जैसे लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं तो वहां पर आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये कोई ये एक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक नॉट एन एक्ट, मतलब इट्स पूरे देश का ये लॉ है, तो उसको उस संदर्भ में देखा जाए तो टिपिकल सेंस में कोई ये एक एक्ट नहीं है, लेकिन एक एक हमारा ग्रंथ है जो देश में सभी धर्मों को, लोगों को, सभी जाति के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी एप्स भी हैं मार्केट में, प्ले स्टोर पे, इनफैक्ट मुझे ये बोलना चाहिए, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिजिकल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जिस पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 265, और आर्टिकल 265 में लिखा है जी, नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड और लेवीड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक सरकार या लॉ परमिट नहीं कर देता, जब तक लॉ परमिट नहीं कर देता, तो वो टैक्स ना ही हिंदुस्तान में लेवी हो सकता है ना ही कलेक्ट हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन, ये बात यहां से निकल के आई, लेवी एंड कलेक्शन में डिफरेंस होता है, लेवी वर्सेस कलेक्शन। तो ना ही लेवी होगा ना ही कलेक्शन होगा अगर लॉ परमिट ना करे। हाँ जी प्लीज मुझे बताइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन? मैं अपनी बोलती बंद कर रहा हूँ, अपना माइक बंद कर रहा हूँ, और आप लोगों का माइक ऑन हो गया, बताइए। लेवी का मतलब एक तरह से इम्पोज करना, जी 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 जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या जो सर्विस खरीद रहे हैं उसके अंदर जी, ऐड हो जाना। हम पे करेंगे, हम तो पे नहीं करते जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो सर एमआरपी पे इंक्लूड हो जाता है ना? अच्छा ठीक है, तो जनरली आपकी बात सही है, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा बस। लेवी का मतलब होता है इन इन द सेंस उसको चार्ज करना, क्योंकि वो चार्ज कब होगा, इसको हम कह सकते हैं टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट। और कलेक्शन का मतलब होता है व्हेन यू पे टू द गवर्नमेंट, व्हेन यू पे टू द गवर्नमेंट। तो कोई भी टैक्स हिंदुस्तान में सरकार को दिया जाएगा या लगाया जाएगा, लगाना और जमा करवाना, ठीक है, लगाओगे और जमा करवाओगे, सीधी सी बात है, आप क्लासेस की बुकिंग करवाओगे तो लेवी हो गया, और जमा करवाओगे फीस, कलेक्शन हो गया। तो कोई भी टैक्स हिंदुस्तान में लेवी या कलेक्ट जब ही होगा जब उसकी लॉ परमिशन दे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, लॉ कौन बनाता है, हुम इज एंटाइटल टू मेक लॉ, प्लीज बताइएगा आपको। है। हाँ जी बताइएगा, लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बहुत बढ़िया, भी लिखी है बात बिल्कुल, लॉ कैन बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लॉ कैन बी इनेक्टेड का मतलब मेड, इट कैन बी फॉर्मड, इनेक्टेड का मतलब बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का मतलब बिल्कुल पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट। तो हिंदुस्तान में इनेक्टेड का मतलब मेड, तो लॉ कैन बी मेड आइदर बाय द पार्लियामेंट माय डियर फ्रेंड्स, और लॉ कैन बी मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेकिन क्या किसी भी मुद्दे पे लॉ लाया जा सकता है? एनीथिंग ऑन ऑन एनी आइटम दे कैन ब्रिंग लॉ, आगे लिखा है प्रोवाइडेड, यस प्रोवाइडेड सच पावर इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा जी कि आप किन किन मुद्दे, पावर का मतलब है वो लॉ लाने की जो मुद्दे हैं, प्रोवाइडेड लॉ आप ला सकते हैं। पहले तो बात बताई गई 265 ने कि लॉ कौन ला सकता है, टैक्स कब लग सकता है, जब लॉ परमिट करे, और लॉ बनाने की पावर
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और वो पावर कहां पर है, यस, किन मुद्दों पे टैक्स लगाया जा सकता है. फ्रेंड्स दैट पावर इनफैक्ट इज गिवन इन शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 इन 3 लिस्ट्स. दैट पावर इज गिवन इन शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 346 इन 3 लिस्ट्स. 3 लिस्टों में वो पावर दी गई है, वो कैटेगरीज जिसपे लॉ या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ला सकती है. पहली कैटेगरी है जी लिस्ट 1 वाली, दूसरी कैटेगरी है लिस्ट 2 वाली, तीसरी कैटेगरी लिस्ट 3. दे आर 3 लिस्ट्स ऑन विच लॉ कैन बी मेड आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं इस पे लॉ कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ कैन बी मेड आइदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. आइदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 246 आर्टिकल और 265 आर्टिकल जो मेन है टैक्स से रिलेटेड, जिसमें लिखा है कि भाई टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो पावर लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, जिसमें हमने इनकम टैक्स पढ़ा उसी के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही है दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस. हाँ जी, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसको हम लीगली अगर डिफाइन करें तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन, जिस पे लगा और जो जिसकी जेब खाली होगी, इंसिडेंस जिसके ऊपर पड़ेगा वो सेम पर्सन है. या बोले जिसकी करनी उसकी भरनी, हिंदी में बोले तो जिसकी करनी उसकी भरनी, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स. जिस पे लगाया गया वो ही देगा. आपको फीस, आप पढ़ रहे हो, आपके ऊपर फीस लगी, आप ही देके आ रहे हो. और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन डिफरेंट पर्सन, इसको हम बोलेंगे करनी किसी और की, भरनी किसी और की, करनी किसी और की, भरनी किसी और की. इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब होता है जिस पे लगाया गया, इंपैक्ट इसके ऊपर है, लेकिन वो उसके जो इंसिडेंस है, जो उसका बियरिंग, जो भगतने वाली पावर है वो उसके ऊपर ही है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में वो शिफ्ट कर देता है. जैसे एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स का प्रमुख एग्जांपल है इनकम टैक्सेस. और इनकम टैक्स किस पे इंपैक्ट, किस पे है इनकम टैक्स का इंपैक्ट, किसके ऊपर है, पर्सन अर्निंग इनकम. इंपैक्ट इज ऑन पर्सन अर्निंग इनकम. कैन ही शिफ्ट द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, कैन ही शिफ्ट द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स. आज मैं सैलरी कमाता हूँ, जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट तो मेरे ऊपर आएगा ना, लेकिन क्या इंसिडेंस में शिफ्ट कर सकता हूँ? नो. इसका जो इंसिडेंट, कैन नॉट शिफ्ट इंसिडेंस, कैन नॉट शिफ्ट इंसिडेंस, दैट इज ऑन द, इट रिमेन्स ऑन द सेम पर्सन. इंसिडेंस रिमेन्स ऑन द सेम पर्सन, इंसिडेंस रिमेन्स ऑन सेम पर्सन.
एंड दैट इज पर्सन अर्निंग इनकम, पर्सन अर्निंग इनकम. तो आप क्या बोलोगे, इंसिडेंस इंपैक्ट सेम पर्सन पे है, तो इट इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स. अच्छा, कौन लगाता है डायरेक्ट टैक्सेस? अगर इनकम टैक्स की बात करें, यूनियन लिस्ट में है जी एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा किसी भी इनकम पे टैक्स लगाने की पावर एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट. और यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. स्टेट लिस्ट में एक एंट्री है. अच्छा, जो लिस्ट होती है उनकी एंट्री सीरियल नंबर कह लीजिए, सीरियल नंबर एंट्री नंबर 46 है और लिखा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है. यस, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है. तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, उसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स. और इनकम टैक्स में क्या फ़ायदा है कि नुकसान है कह लीजिए, कि आप उसका इंसिडेंस को शिफ्ट नहीं कर सकते, इम्पैक्ट आपके ऊपर है और कैन नॉट शिफ्ट द इंसिडेंस, रिमेन्स ऑन द सेम पर्सन, पर्सन अर्निंग इनकम एंड देज आर सेम. इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम. स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. तो ये मान लीजिए कि जॉब की इनकम हो, बिजनेस की इनकम हो, कैपिटल गेन की इनकम हो, इंटरेस्ट की इनकम हो, डिविडेंड की इनकम हो, केबीसी की इनकम हो, सब पे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और एग्रीकल्चर पे जो टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी. ये तो बात रही इनकम टैक्स की, जो एक डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की कुछ मैं टैक्सेस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स. यस माई डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस IDT बिफोर GST. क्योंकि मैंने आज आपको बताया, आज हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करने वाले हैं. डायरेक्ट टैक्स के बारे में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, आज हम इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा करने वाले हैं. कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट डिफरेंट लोगों पर होता है, ये कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे GST से पहले. क्योंकि अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई और उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी वो चीज़ समझ आ गई, तो GST समझना आपका 50% ईजी हो जाएगा. बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस GST से पहले कौन से थे, कौन सी सरकार लगाती थी, क्या झगड़े होते थे आपस में, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा समझना कि GST क्यों आया और किन कमियों को पूरा करने के लिए उसको लाया गया. समझे मेरी बात? अगर मैं डायरेक्टली आपको GST पढ़ा देता हूँ तो हो सकता है आपको जो हिस्ट्री है वो समझ ना आए, और जब हिस्ट्री समझ नहीं आएगी तो ज्योग्राफी कैसे समझ आएगी. तो इसलिए ज्योग्राफी हैज़ अ लिंक इन द हिस्ट्री एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी. आप ऐसे क्यों हैं आज, या मैं ऐसा क्यों हूँ, इसके पीछे की हिस्ट्री रही होगी. मैं इतना अच्छा क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसके पीछे की हिस्ट्री रही होगी. जस्ट जोकिंग. चलिए, सो एग्जाम्पल्स ऑफ IDT बिफोर GST मैं बता रहा हूं, तो मेरे यहां पर जगह पर्याप्त नहीं है, नीचे लिख रहा हूं स्टार लगा के. आइए सर, सो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं ऑफ IDT बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ GST. अच्छा, उस टाइम पे आर्टिकल 265 बबीजी का कि वो हट गया है, अभी है, लेकिन आर्टिकल 265 क्या कहता है, लॉ, इनफैक्ट 246 क्या कहता है, लॉ कैन बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. तो यानी कि पावर्स टू मेक लॉ आर डिवाइडेड. माता जी कुछ करेंगी, पिताजी कुछ करेंगे, मिलजुल के कोई बात नहीं की गई थी. मिलजुलने वाली जो बात थी वो कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स थी. कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ आइटम्स हैं, मैं आपको बताऊं नॉलेज के लिए. मैरिज, मैरिज पे लॉज बनाने हैं. एजुकेशन, एजुकेशन पे लॉ बनाने हैं. तो ये सब आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट के. लेकिन टैक्स लगाने की पावर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं थी. टैक्स तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे. तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं ना, पावर्स टू मेक लॉज आर डिवाइडेड, पावर्स टू मेक टैक्स लॉज, तो टैक्स लॉ की पावर सेंट्रल और स्टेट में डिवाइडेड थी. कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स नहीं था. कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिजेस की बात,
शादी से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, लेकिन टैक्स लगाने की पावर या तो यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, तो पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड। तो वही प्रमुख, जैसे इनकम टैक्स में देख लो, 99% इनकम से टैक्स लगाने की पावर सेंटर को दी है और 1 इनकम पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट को दी है। इसी प्रकार से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें भी, वैसे आपको ये बात पता होगी, जीएसटी मिलजुल के लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन 246 में क्लियरली लिखा था सेंट्रल लगाएगा या स्टेट लगाएगा लिस्ट के हिसाब से। और जब हमने लिस्ट जो चेक किया, कॉन्करेंट लिस्ट चेक करी, तो टैक्स लगाने की पावर या तो यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, या तो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट। मिलने जुलने की जो बात है, भाईचारे की जो बात है, वो मैरिजेज, एजुकेशन, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उस पे थी। आइए सर, तो मैं अब आपको, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ, आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, बताइएगा यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, बताइए सर। चलिए ग्रेट, तो आप लोग बिल्कुल, आपका यस करने से मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं, आपको मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही होता है कि अगर आप यस करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके बात जहन में सारी बातें उतर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं, हिस्ट्री ऑफ आईडीटी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। उससे पहले मैं कुछ आपके आइटम्स बता रहा हूँ, कौन कौन से टैक्सेस लगा करते थे। शायद आपने जीएसटी नहीं पढ़ा, तो आई थिंक उससे पहले के जो आइटम्स हैं वो भी आपको आइडिया नहीं होंगे, क्या आइडिया है उनके, कुछ आइडिया है आप लोगों को? अच्छा, कब पढ़ा था आपने, जब आप बच्चे, छोटे बच्चे थे? अच्छा चलो ठीक ठीक है, चलिए आइए। तो मैं उस वक्त के प्रमुख इनडायरेक्ट टैक्सेस बता रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस बता रहा हूँ जो उस वक्त बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी था। हाँ जी, ऐसा करते हैं, आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी। यस, अभी हम देखेंगे प्री जीएसटी कौन से थे और जीएसटी आने के बाद क्या ये टैक्सेस हैं, नहीं है, क्या बदलाव आया है, पहले देखिएगा फिर लिखिएगा, इससे आपको समझ आएगा हम कर क्या रहे हैं। एक थी एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम, प्री जीएसटी ड्यूटीज ऑफ कस्टम, तो कस्टम जो उसको बोलते हैं दैट इज कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी कहां लगाई जाती है, ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कहना इसे इंटरनेशनल ट्रेड पे ड्यूटीज ऑफ कस्टम लगती है। हमारे CMA में इनडायरेक्ट टैक्सेस में शायद कस्टम्स भी है, और हमारे CS के इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कस्टम्स भी है, तो ये कस्टम ड्यूटी से भी हम रूबरू होंगे, बिल्कुल होंगे जी, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या कस्टम ड्यूटीज हट गई हैं जीएसटी आने के बाद। अभी हम आने की बात तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लें पहले क्या सिस्टम था। तो कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी एंट्री नंबर 83 के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में था एंट्री नंबर 82 था इनकम टैक्स का, वो तो अभी भी है जीएसटी के बाद, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन एंट्री नंबर 83 बिल्कुल पहले थी, अब है नहीं है, उसकी बात अभी ना करिए। आइए दूसरी थी एंट्री नंबर 84, एंट्री नंबर 84 ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, यस ऑन, मैं तो लिख भी रखे हैं ये चीज़ें, अब तो याद हमें भी नहीं रहती, पुरानी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें तो जीएसटी के आने के बाद ये इतना तामझाम जरूरत नहीं पड़ती, पहले तो हम एक एक चीज़ें इसको बताते थे। तो ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको, हाँ, एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया except, yes, except duties of excise on tobacco and other goods manufactured produced in India, except a alcoholic liquor. You might be knowing about this thing. आजकल के नौजवान पीढ़ी हैं आप लोग, तो मैं भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। Alcoholic liquor for human consumption,
क्योंकि अब आप लोगों का जमाना है, एंड बी शायद ये भी आप लोगों ने ट्राई किया हो, बताइएगा इसके बारे में, अभी मैं जब पूछूंगा। ओपियम नारकोटिक्स, आजकल ये चर्चा में बहुत रहा है टॉपिक नारकोटिक्स। ब्यूरो ऑफ इंडिया, एक आपके सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद, और दूसरा मुंबई फिल्म जगत के बारे में ये बातें बहुत चर्चा में रही हैं, और तीसरा वो जो लाली है, लाली क्या नाम है वो जो कपिल शर्मा शो पे जो एक्ट्रेस हैं, उनको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा था। सो ओपियम, नारकोटिक्स, ड्रग्स, इंडियन हेम्प सेक्टर, हाँ जी ये प्लीज लिखिएगा, इंक्लूडिंग, यस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मेडिसिंस एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अभव, एंड कंटेनिंग अभव। हाँ जी, क्या समझ आया आपको इससे कि इस एंट्री नंबर 84 के माध्यम से गवर्नमेंट लगाती थी एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम बोलते थे, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, जैसे कस्टम्स ड्यूटीज लगती थी, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये गुड्स पे लगता था, यस ये भी गुड्स पे था, याद रखिएगा, मैं दोबारा बोलूंगा आपको, ये गुड्स पे है एक्साइज ड्यूटी, और यहां पर भी गुड्स था, देखिएगा, और गुड्स, सर्विसेज की चर्चा भी बिल्कुल नहीं हुई है। ये था एंट्री नंबर 83, ये था एंट्री नंबर 84, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया, तो यानी कि हिंदुस्तान में, मुझे आप 5 सेकंड का टाइम दीजिएगा, हाँ जी, सो हिंदुस्तान में कोई भी गुड्स का उत्पादन, वैसे इस एक्साइज ड्यूटी को उत्पादन शुल्क के नाम से भी जाना जाता था, तो जो लगती थी टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, और वो सब चीज़ें, और अदर गुड्स, उसके अलावा एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सबके प्रोडक्शन पर लगती थी, प्रोडक्शन, बिक्री उसकी कितने की होगी कितने की नहीं होगी हमें मतलब नहीं है, आपने प्रोड्यूस किया आपको एक्साइज देनी पड़ेगी, लेकिन दो चीज़ के उत्पादन पे, यस माय डियर फ्रेंड्स, दो चीज़ों के उत्पादन पे ये नहीं लगती थी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या होता है अल्कोहलिक, मैंने बोला ना आप लोग नौजवान पीढ़ी है तो आपको ज़्यादा इसके बारे में चर्चा या ज्ञान होगा, मुझे तो नहीं है। हाँ जी, क्या होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अब आप नहीं बता, अल्कोहल की मात्रा हो, दारू हो गया, अच्छा इसमें इसका अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो वाइन, वोडका, रम, बियर, विस्की, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा क्या कोई मतलब क्या एनिमल्स की कंजम्पशन के लिए भी होती है क्या अल्कोहल, मतलब कुत्ते की बियर या बिल्ली की बियर ऐसा भी होता है क्या? अच्छा तो वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन होती है, तो यानी कि अगर हिंदुस्तान में अल्कोहल बनाई जा रही है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमंस में मेल्स हो फीमेल्स हो, ऐसा आजकल फीमेल्स बोलती हैं, हम भी पीछे क्यों रहें, तो वो तो आपको पता ही है, क्लब में चले जाइए, लॉन्च में चले जाइए, तो कोई पीछे रहता नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी वुमेंस बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, तो ऑब्वियसली किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन बाकी ये तो पर्सनल चॉइस है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब है बियर, वोडका, वाइन, रम, विस्की एक्सेट्रा, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई जा रही है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी। अगर अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए बनाई जाए, जहां पर वो फ्यूल के रूप में यूज होगी बिजनेस में,
या बॉयलर्स गर्म करने के लिए जहां पर मेल्ट किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स, वहां के लिए ऑब्वियसली अल्कोहलिक लिकर अगर बनाई जाएगी हाँ जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर मी आउट? यस सर, यस सर। चलिए मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा, सारा सिस्टम दोबारा से सेट करना है। हाँ जी, सो हाँ जी प्लीज एक सेकंड दीजिएगा, हो गया काम सारा हमारा स्टार्ट जो दोबारा से। बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट अवे वी वर ऑन एंट्री नंबर 84। यहां तक सब कुछ सही क्लियर है और सुनाई दे रहा है आपको मेरी बात? चलो तो बच्चों मैं थोड़ा सा परिपेक्ष आपको दोबारा दे दूं कि एक्साइज ड्यूटीज उस वक्त लगाई जाती थी जब जीएसटी नहीं आया था और इसको हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते थे और ये गुड्स पे लगाई जाती थी। ये बच्चों गुड्स पे लगाई जाती थी। एक सेकेंड, आपको मुझे दोबारा से ये खोलनी पड़ेगी फाइल। I have to reopen the file again. हाँ जी, सो ये एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती थी ये गुड्स पे लगाई जाती थी और दो गुड्स को छोड़ दीजिएगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों की कंजम्पशन वाली जो अल्कोहल है उस पे नहीं लगती थी। अल्कोहल चाहे 60% हो, ब्रीजर हो वो उसमें भी अल्कोहलिक लिकर ही हो गया, तो वो सब चीज़ें आ गई। और ओपियम, नारकोटिक ड्रग्स, इंडियन हेम्प, ये सब वो जिसको हम हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम या भांग इत्यादि के जो उत्पादन है, ये भी गुड्स हैं, ये भी नशीले पदार्थ हैं, इनके उत्पादन पे भी जो टैक्स लगता था, यस, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स लगता था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिक पावर, यानी ये कह लीजिए कि नशीले पदार्थों पर, चाहे वो पेय पदार्थ हो या वो ड्रग्स हो जो पीने के रूप में नहीं पाउडर के रूप में होते, कैसे भी रूप में हो, उन पे एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी। लेकिन सर ये ओपियम, नारकोटिक ड्रग्स, इंडियन हेम्प तो गैर कानूनी होते हैं? नहीं, अगर आपने मिर्ज़ापुर मूवी देखी हो तो वहाँ पर इनको उगाया जा रहा था गवर्नमेंट के निरीक्षण में
और उनको बनाया भी जाएगा। हो सकता है ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हो, इंडिया में ना बेचे जाएं। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके प्रोडक्शन पे टैक्स लगता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती थी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती थी, कौन लगाएगा? लॉजिकल बात है, दो चीज़ों पे एक्साइज लगाने की पावर स्टेट के पास थी। अभी हम स्टेट लिस्ट की बात नहीं कर रहे, वो ए और बी में आएगा। ए और बी के जो आइटम्स हैं उस पर स्टेट लिस्ट के अंदर आइटम आएंगे। अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो दोबारा से अगर बात करी जाए, बीच में मेरा भी ना लाइट चली जाए, कुछ चली जाए तो कहने के टेम्पो खराब सा हो जाता है, तो हमें भी टाइम लगता है उस मोड में आने में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाती थी और दो आइटम को छोड़ दिया जाएगा, एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ओपियम नारकोटिक ड्रग्स। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपको कभी खांसी जुकाम होता है तो उस वक्त हम कफ सिरप अमूमन लेते हैं, और कफ सिरप लेने के बाद आपको थोड़ा सा डिजीनेस महसूस होती है और थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि सो जाएं, क्योंकि जो ये कफ सिरप्स होते हैं इनमें थोड़ा सा अल्कोहलिक कंटेंट होता है। इसी प्रकार से आप डिओडेंट्स लगाते होंगे तो डिओडेंट्स में भी थोड़ा अल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो इसलिए लिखा था कि अगर मेडिसिंस और टॉयलेट प्रिपरेशंस, जो मेडिसिंस हैं दवाइयां हैं या टॉयलेट प्रिपरेशन लाइक डिओडेंट्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, उसके अंदर अगर ये ए या बी हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तो यानी कि ए और बी पे एक्साइज लगाने की पावर नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर ए और बी यस कॉस्मेटिक्स या टॉयलेटरीज में या मेडिसिंस में है तो उस पर एक्साइज लगा सकती थी। ये बात को याद रखिएगा, अभी थोड़े एग्जांपल के रूप में भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो एंट्री नंबर 84। उसके बाद एक एंट्री थी एंट्री नंबर, यस माय डियर फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 92, जिसमें लिखा था टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, यस इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट देयर इन, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट देयर इन। तो अगर हिंदुस्तान में खरीद फरोख होती है न्यूज़पेपर्स की, तो उस पर खरीद फरोख पे उसके सेल पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये लिखा हुआ था। और उसमें जो एड्स आते हैं इत्यादि, उस पर भी कोई टैक्स अगर लगाना है तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई थी। एंट्री नंबर 92A, यस टैक्स ऑन सेल और परचेज, सुनिएगा, सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स, यस टैक्स ऑन सेल ऑफ, अगर हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर की बिक्री होती है उस पर तो टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर को छोड़ दिया जाए तो दूसरे गुड्स, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर्स की बिक्री हो, उसके अंदर जो एड आए उस पर तो टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर हम प्री जीएसटी एरा की बात करें। अब क्या है जीएसटी के बाद, क्या ये एंट्री है नहीं है, वो बात की बात, जब तो राइट साइड ब्लैंक छोड़ा है। 92A क्या कहता है, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, एसी टीवी फ्रिज, उसकी सेल पर, उत्पादन की तो बात छोड़ो वो तो लगी गया, बिक्री पर, इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, जिसको कहते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, यस सेंट्रल सेल टैक्स लगा करता था इंटर स्टेट ट्रेड। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, नॉलेज के लिए पूछूं, आप जुड़े होंगे, ये भी पता लग जाएगा मुझे, अगर हम इंट्रा स्टेट सेल की बात करें, क्या उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी इंट्रा स्टेट सेल की बात करें? नो सर, स्टेट की बात, वो वैट था, जैसे किसी अभी बच्चे ने बोला था कि वो वैट था, वो वैट होता था, वो स्टेट के पास था। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेल्स पे टैक्स लगाने की किस किस की पावर थी? न्यूज़पेपर्स की, वो इंडिया में कहीं भी बिके, और अदर न्यूज़पेपर इंटर स्टेट,
अदर देन इन न्यूज़पेपर इंटरस्टेट। देखो कितना आप खुद ही समझोगे कितना कॉम्प्लिकेशन अभी से हो गया। अभी तो मैंने आपको स्टेट लिस्ट नहीं बताई, अभी से आपको लग रहा होगा कितनी कंफ्यूजन है, एक्स पे लगेगा, ड्यूटी लगेगी, वहां ये लगेगा। अभी सुनिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी से हार नहीं माननी है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। एंट्री नंबर 92 के बाद थी एंट्री नंबर 92C, टैक्स ऑन सर्विसेज। सर्विसेज पे टैक्स लगाने की पावर, सेल टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उस पे टैक्स लगाने की पावर अगेन किसको दी गई है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो। आप लिख सकते हो इंट्रा या इंटर स्टेट, सेम स्टेट के अंदर हो, दिल्ली दिल्ली में, मुंबई मुंबई में, गुजरात गुजरात में, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो, उसकी टैक्स लगाने की पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस, अच्छा, एंट्री नंबर 92C के बाद एक एंट्री नंबर 97 है जो अभी भी है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्री। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसलिए डाल दी है कि आगे जाके कोई ऐसा मुद्दा आए जिस पर टैक्स लगाना पड़े और वो मुद्दा मेंशन ना हो। जैसे रेजिडुअल क्या होता है, लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो इनकम चार श्रेणी में नहीं आई पांचवी श्रेणी में डाल दी। तो ये रेजिडुअल एंट्री एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है, उन आइटम्स पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ला सकती है जो आइटम्स मेंशन नहीं किए गए। तो प्रमुख प्रमुख, यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रमुख प्रमुख टैक्सेस कौन से हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, बताइएगा। प्री जीएसटी एरा में इन टैक्सेस की बात करें, पहला कौन सा प्रमुख टैक्स है, देख के बताइएगा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल वो गुड्स पे है, यस। दूसरा एक्साइज ड्यूटीज, मेजॉरिटी गुड्स पे है, वो भी गुड्स पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे है। तीसरा न्यूज़पेपर्स का टैक्स। चौथा इंटरस्टेट सेल्स का टैक्स, इंटरस्टेट सेल्स गुड्स के, गुड्स और सर्विसेज का टैक्स भी, सर्विसेज का टैक्स भी, चाहे इंट्रा हो इंटर हो, वो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने इसी के मुद्दे पे या ये सब के जब भी तो सर्विस टैक्स लगता था। चलिए अब हम आते हैं स्टेट लिस्ट पे। ये तो आपने जैसे ऊपर हेडिंग डाल के लिखा होगा, बच्चों क्या लिखा था आपने इसके ऊपर, हिस्ट्री ऑफ आईडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब लिखिए स्टेट गवर्नमेंट। अब लिखिए स्टेट गवर्नमेंट माय डियर फ्रेंड्स, अब लिखिए स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस प्रमुख प्रमुख। यहां पर भी लिखिएगा प्री जीएसटी एरा और यहां लिखिएगा पोस्ट जीएसटी। हाँ जी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रमुख प्रमुख टैक्सेस हैं वो हैं एंट्री नंबर 49, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड ऑन बिल्डिंग्स के टैक्स एंट्री नंबर 49। एंट्री नंबर 51, यस माय डियर फ्रेंड, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन ए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आ गई ना बात, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो केंद्र सरकार के दायरे में नहीं थी, राज्य सरकार के दायरे में थी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और दूसरा वही नारकोटिक्स एसेट्रा, नारकोटिक्स एसेट्रा, वो सारे वो भांग और शांग वो सब, एंड नॉट कंटेन्ड इन मेडिसिन एंड टॉयलेटरीज। क्योंकि अगर वो मेडिसिन टॉयलेटरी में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। तो अगर एल्कोहलिक लिकर, लिकर का कुछ अंश या नारकोटिक या ड्रग्स का अंश अगर मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में है तो उनके उत्पादन पे सेंट्रल, तो इनको बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज। ये वही वाली बात है, सौतेला व्यवहार स्टेट गवर्नमेंट के साथ था। जैसे इनकम टैक्स में 99% इनकम तो सेंटर के पास है, एग्रीकल्चर उनको दे दी, तो ये नशीले पदार्थ स्टेट को दे दिए, 98% तो आपके पास है, और नशीले पदार्थ भी कॉस्मेटिक्स है मेडिसिन है वो भी सेंटर के पास है। तो स्टेट तो एक तरीके से बिल्कुल ही कटोरा लेके खड़ी रहती थी लिटरली। जब ही स्टेट्स फैली जीएसटी आने के बाद, भाई अब हमारी से भी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है एंट्री नंबर 52,
टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन और सेल, फॉर कंजम्पशन और सेल, अगर स्टेट के अंदर गुड्स आते हैं। अब देखो जी, बड़ी अकल की बात है, जो सीएसटी था वो कौन देता था बताएंगे आप लोग? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी एंट्री थी? 92A। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि जब गुड्स हमारे स्टेट में दूसरे स्टेट से आएंगे हम भी टैक्स लगाएंगे, समझो। जो जीएसटी था, सॉरी, जो सीएसटी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और ओरिजिन प्रिंसिपल पे लगाती थी। ओरिजिन प्रिंसिपल, यानी कि अगर सुनिए मेरी बात, दिल्ली से यूपी गुड्स गए, दिल्ली से यूपी गुड्स गए, तो दिल्ली गवर्नमेंट पे सीएसटी लगाने की पावर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई सीएसटी लगाना है दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि ओरिजिन प्रिंसिपल था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, तो आपको समझ आए, दिल्ली से गुड्स यूपी गए, यस, समझिएगा, और सीएसटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती थी दिल्ली गवर्नमेंट को, ऑथराइज करती थी दिल्ली गवर्नमेंट को लगाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 92A के अंतर्गत सीएसटी लेवी करती थी। ये तो बात आपको क्लियर है, इंटर स्टेट पे, जैसे दिल्ली से यूपी गुड्स गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी लगाएगी। लेकिन ये लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर रखी थी, किसको? दिल्ली गवर्नमेंट को। क्या आप ऑथराइज्ड हैं लगाने के लिए? आप कलेक्ट करेंगे, आप ये रख लो, लगाएंगे हम। अच्छा, पैसा स्टेट के पास रहता था, लगाती थी सेंटर। इसको बोलते हैं ओरिजिन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल का मतलब जहां से मूवमेंट शुरू हो रही है। अच्छा, यूपी से गुड्स दिल्ली जा रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट ऑथराइज थी। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई कि जो सीएसटी था वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन कलेक्शन का काम और रिटेंशन का काम और ऑथराइजेशन का काम दिल्ली गवर्नमेंट का था, ओरिजिन प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब यूपी को बड़ी आग लगती थी। अब यूपी वाले कहते थे भाई हमें तो कुछ नहीं मिला। तो यूपी गवर्नमेंट एंट्री नंबर 52 के माध्यम से एंट्री टैक्स लगाती थी इन गुड्स पे। जब ये गुड्स यूपी एंटर होते थे तो इन पे एंट्री टैक्स या ऑक्ट्राय लगता था। तो यानी कि जो 52 एंट्री थी इसके माध्यम से एंट्री टैक्स या ऑक्ट्राय लगता था। कितना सिस्टम खराब था, खुद समझिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, स्टेट कलेक्ट कर रही है सीएसटी, स्टेट रख रही है, और फिर यूपी गवर्नमेंट उन्हीं गुड्स पे, क्योंकि क्या भाई सीएसटी तो लगा नहीं सकते, हमें भी पैसा चाहिए, वो एंट्री टैक्स ऑक्ट्राय लगा देते थे। ये बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई? और ये एंट्री थी ऑक्ट्राय की एंट्री नंबर 52। ये बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई? प्लीज, yes, है ना, प्लीज बाकी बच्चे भी बताएं थोड़ी सी एक बार। तो यानी कि देखो, आप देखो मल्टीपल टैक्सेस हो रहे हैं। मैं बंदा गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज दूंगा। मैं गुड्स सेल करूंगा दिल्ली से यूपी, दिल्ली गवर्नमेंट को मैं सीएसटी दूंगा। लगाया सेंटर ने था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को तुम रख लो। फिर जब यूपी गुड्स आएंगे तो जो यूपी में जो गुड्स खरीद रहा है वो एंट्री टैक्स देगा। भाई आदमी का दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? वो ऑक्ट्राय में रजिस्टर करवाएगा अपने आप को, एंट्री टैक्स में रजिस्टर करवाएगा, जो भी एक्ट होगी वो सीएसटी में रजिस्टर करवाएगा, और फिर वो एक्साइज ड्यूटी में भी रजिस्टर करवाएगा अपने आप को। अच्छा, यही नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। अभी तो कहानी शुरू हुई। एंट्री नंबर 52 के बाद एंट्री नंबर 53 ये है, टैक्सेस ऑन सेल
और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे न्यूज़पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी की खरीद फरोख वो स्टेट को दी हुई है, एंट्री नंबर 53 वो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर एंट्री नंबर 54, यस ये था वैट जी, ये इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है, आपने बिजली के बिल में देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है, ये उसके माध्यम से लगता है। एंट्री नंबर 54 टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, यस माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल। अगर मैं आपसे पूछूं आप बिजली की बिक्री हो रही है, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी बिजली की? ये स्टेट। न्यूज़पेपर की बिक्री हो रही है, न्यूज़पेपर सेंट्रल। और इंटरस्टेट सेल हो रही है, इंटरस्टेट सेल एक्सेप्ट न्यूज़पेपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंटरस्टेट सेल एक्सेप्ट न्यूज़पेपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी सेंटर, और वो भी लेकिन उसका पैसा कलेक्ट कौन करेगा? सीएसटी का पैसा कलेक्ट कौन करेगा? सेंटर। और रखेगा कौन? हाँ सेंटर नहीं, अरे बेटा क्या कर रहे हो, सेंटर कैसे हो गया, अभी बोला मैंने, नहीं कलेक्ट एंड रिटेन, स्टेट ही रखेगा सब कुछ दिल्ली के पास, आप ऑथराइज्ड हैं, आप कलेक्ट करेंगे, आप रिटेन करेंगे सीएसटी, पर लगाने की पावर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी बस सीएसटी का, ये याद रखना, वैसे सीएसटी हट गया लेकिन पता तो होना चाहिए, तो सीएसटी कानून लाएगी, जैसे मैं चीज लेके आऊंगा आप खाओगे, आप बनाओगे, आप रखोगे, लेके मैं आऊंगा बस। बिल्कुल सही, एडमिनिस्ट्रेशन सारा उनके पास है, बहुत बढ़िया। तो लेवी खाली इनके पास था, कलेक्शन का काम इनका था, रिटेंशन का काम इनका था। तो इंटरस्टेट ट्रेड वे कौन सा टैक्स था? सीएसटी। कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। रखता कौन था? स्टेट गवर्नमेंट। ओरिजिन या डेस्टिनेशन? ओरिजिन, जहां से मूवमेंट शुरू हुई। सीएसटी का यूपी से कोई मतलब नहीं था, दिल्ली से मतलब था, दिल्ली से यूपी गुड्स गए। हाँ यूपी से दिल्ली जाएंगे तो यूपी रखेगी, यूपी से बिहार जाएंगे यूपी रखेगी, बिहार से तमिलनाडु जाएंगे बिहार रखेगी। अच्छा, और गुड्स जब सेम स्टेट में आते हैं तो लोकल टैक्स एंट्री टैक्स वो लगता था उसके ऊपर। एनी हाउ आइए सर, अच्छा अगर स्टेट में सेल हो रही है गुड्स की, अब मान लो ये गुड्स, सुनो ये गुड्स अब आके बिकेंगे यूपी में, बिकेंगे यूपी में आए, अब यूपी में ही सेल हो गई, अब कौन सा टैक्स लगेगा? अब यूपी में बिके यही गुड्स, अब लगेगा ये एंट्री नंबर 54 वाला वैट, जिसको बोलते थे वैट, जब सेम स्टेट में बिकता था माल तो वैट लगता था, तो इसको बोलेंगे वैट। अरे बाबा, पहले दिया सीएसटी, फिर दिया एंट्री टैक्स, फिर लगा वैट, एक ही और सबसे पहले बनाया तो एक्साइज, एक ही ट्रांजेक्शन पर दिल्ली में बने लगा एक्साइज, दिल्ली से यूपी गए लगा सीएसटी, यूपी में घुसे लगा एंट्री टैक्स, यूपी में बिके लगा वैट। ना सेलर को शांति ना परचेजर को शांति, बात समझ आई नहीं आई प्लीज बताइए पहले। फिफ्टी फोर टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मीन सेम स्टेट बच्चों, सेम स्टेट। तो इंटर स्टेट पे सीएसटी, सेम स्टेट पे वैट, इंटर स्टेट पे सीएसटी, सेम स्टेट पे वैट। आइए अभी तो कहानी शुरू हुई है। एंट्री नंबर 55 टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, यस एडवर्टीजमेंट अदर देन एड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, अदर देन एड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर एड्स पे
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर थी, अगर आपको याद हो एंट्री नंबर 92। लेकिन अगर टीवी का ऐड है, रेडियो का ऐड है, ऐड ऑन टीवी रेडियो, उस पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट के पास थी। अब ये भी हमें रखना पड़ेगा भाई, अखबार में ऐड दे रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस लग देने पड़ेंगे, और रेडियो और टीवी पे दे रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। अभी तो और भी हैं, एंट्री नंबर 60, टैक्सेस ऑन प्रोफेशनल्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉइज एंड ऑन एम्प्लॉयमेंट। जी ये टैक्सेस तो आपने पढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स इनकम टैक्स में जब पढ़ा था याद करिएगा, 16(3) की डिडक्शन, 16(3) की, ये है वो प्रोफेशनल टैक्स जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट को हमें देना होता है। दिल्ली में लगता नहीं है तो इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, दिल्ली में लगता नहीं है इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। और एक आखिरी टैक्स और बताऊंगा स्टेट गवर्नमेंट का, एंट्री नंबर 62, टैक्सेस ऑन लग्जरीज। अगर आप होटल्स वोटल्स में स्टे करें तो लग्जरी टैक्स, पार्क इत्यादि लग्जरीज, टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट, मूवी हॉल की टिकट्स, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, टैक्सेस ऑन गैम्बलिंग एंड बेटिंग टैक्स, और टैक्सेस ऑन अम्यूजमेंट, टैक्सेस ऑन अम्यूजमेंट ऑफ द वॉटर पार्क्स, एंटरटेनमेंट में क्या होता है, तो ये लग्जरी टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और गैम्बलिंग बेटिंग का, लॉटरीज का टैक्स इत्यादि, ये सब एंट्री नंबर 62 के माध्यम से लगते थे। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद आप इसका सही जवाब दीजिएगा पुराने सिस्टम के हिसाब से। राइट वाला पोर्शन आपको ब्लैंक छोड़ना है, उसकी चिंता नहीं करनी, यू हैव टू लीव द राइट पोर्शन ब्लैंक। आइए जरा, तो टैक्सेस ऑन लग्जरीज, एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा, आइए जरा। आइए जरा, टैक्सेस ऑन लग्जरीज, एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, बेटिंग, अम्यूजमेंट एक्सेट्रा। चलिए अब इसी के आधार पे आप लोग मुझे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा प्लीज। डिटरमिन द टैक्सेस इन प्री जीएसटी एरा। हाँ जी, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसी, बताइए जी कौन सा टैक्स लगेगा? माइक आपको ऑन कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसी कौन सा टैक्स लगेगा? सर सेंट्रल एक्साइज टैक्स। बिल्कुल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कह लीजिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बिल्कुल सही। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वोडका, चार बोतल वोडका है ना, है ना, योयो हनी सिंह का। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वोट का, बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वेरी गुड, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन नॉट कंटेनिंग एल्कोहल, Not containing alcohol, बताइए जी, manufacturing of medicine not containing alcohol, बताइए जी, no, manufacturing of medicine not containing alcohol, central excise duty,
देखो सेंट्रल गवर्नमेंट दो चीजों पे तो नहीं लगाएगी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रग्स, बस बाकी तो 98% पे लगाएगी। और ये ड्रग्स और मेडिसिन्स में पड़ी हो, अल्कोहल मेडिसिन में पड़ी उसमें भी लगाएगी, तो बिना मेडिसिन पे भी तो लगाएगी। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन कंटेनिंग अल्कोहल, बताइए कंटेनिंग अल्कोहल, सेड एक्साइज ड्यूटी, क्या कर रहे हो क्या कर रहे? पढ़ो तो सही, जरा थ्योरी पढ़े थे सर एक बार। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, बल्कि इसका एक्ट अलग है, बस ये एक्ट अलग था, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, मेडिसिन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, इसका एक्ट अलग था बस, है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंतर्गत लगती थी, ये एक्ट अलग थी बस, है दोनों एक्साइज ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ये मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, है दोनों ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज। और मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा, इसका पैसा स्टेट के पास रहता था, लेकिन इसका जो मनी था ना इस एक्ट के अंदर, मनी अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, मनी विद स्टेट गवर्नमेंट, ये उसी की तरह है। सीएसटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएसटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसा स्टेट के पास, इसी तरीके से मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंतर्गत लगाएगी एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसा स्टेट के पास। अच्छा नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर सब वो कौन लगाएगी बताइए, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, न्यूज़पेपर टैक्स कह लीजिए। अच्छा उसके बाद सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स कौन लगाएगा? खरीद फरोख्त पे स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट बन गए जल्दी आप लोग। अच्छा इंटर स्टेट सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सीएसटी नहीं था लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही टैक्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, बहुत बढ़िया वेरी गुड। अच्छा इंटर स्टेट सेल ऑफ एसी एयर कंडीशनर, स्टेट सेल ऑफ एयर कंडीशनर, बहुत बढ़िया, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, वो लेवी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट और रिटेन कौन करेगा? बहुत बढ़िया, थोड़ी बुनियादी चीजें क्लियर कर लो ना, है देखो कितना कंफ्यूजिंग है, कितनी चीजें याद करनी पड़ रही हैं। अच्छा नेक्स्ट आइए बच्चों, नाइन्थ, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एसी। हाँ जी इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एसी, बताइए बच्चों, बिल्कुल सही, वैट लगता था स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वैट। अच्छा बच्चों इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हाँ अब बताओ, हाँ कस्टम ड्यूटी, कस्टम नहीं सर्विस, इंपोर्ट ड्यूटी बेटा पढ़, कौन सी एंट्री के थ्रू लगाई जाती है, पढ़, गुड्स है, इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स पे है, सर्विस टैक्स, अगर होना है तो सर्विस टैक्स ही होगा अगर होना है तो। अब ये नहीं पता तुम्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेकिन ये मैं बता दूं इंपोर्ट में इंडिया में चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं टैक्सेस लगते हैं, जब इंडिया से बाहर जा रही है नहीं लगते, तो इंपोर्ट्स आर टैक्सेबल, एक बात याद रखना, एक्सपोर्ट्स आर एग्जेम्प्ट, समझने की कोशिश करिएगा, हम इंपोर्ट्स को टैक्स करते हैं क्योंकि माल, अब मान लो ना हमारे घर में बच्चा आके रह रहा है तो पीटेंगे उसको, अब एक बच्चा है हमारे पास पढ़ने आया तो हम तो फीस लेंगे, हमारा बच्चा चला गया कहीं और पढ़ने,
तो दूसरा फीस लेगा ना, समझने की कोशिश करी, बाकी डिटेल में बताऊंगा। तो जनरली ये मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो टैक्स लगते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो टैक्स नहीं लगते, क्योंकि एक्सपोर्टर को इंसेंटिव भी देना है। अच्छा इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो बताइए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बताइए। हाँ कस्टम ड्यूटी मेरे बच्चों जो है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बहुत बढ़िया। सर्विसेज इन इंडिया, अगेन बच्चों सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मूवी इन मूवी हॉल्स, हाँ जी, इसके मूवीज पे जो टिकट्स विकेट बिकती थी उस पे कौन सा टैक्स लगता था? मूवी दिखाई जा रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट स्टेट का। बहुत बढ़िया, यानी कि आपको क्लियर हो गई बातें। और गुड्स एंटर्ड इन स्टेट, गुड्स इंडिया स्टेट में आए हैं दूसरी स्टेट से। गुड्स एंटर्ड इन दी स्टेट, नहीं गुड्स एंटर हुए, बिक नहीं रहे स्टेट में, अभी आए हैं। नहीं बेटा एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, चुंगी, चुंगी, चुंगी पे जब गुड्स आते, चुंगी टैक्स। नोटिस करना, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो ना तो आपने देखा होगा एक अलग सी लाइन बनाई, फाटक सा लगाया हुआ होता है गुड्स के लिए। अब जीएसटी के बाद तो ऑब्वियसली चीजें बदल गई हैं, पहले लंबी लंबी ट्रकों की लाइनें लगी रहती थी, वो ट्रक वहां पर चुंगी पे खड़े रहते थे, वो वाली बात समझ आ रही है आपको? चलिए अब मैं कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। तो आपने ये देखा कि अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग सर्विसेज पे, अलग अलग टाइप से टैक्स था, सेंटर का अलग, स्टेट का, कोई ओवरलैपिंग नहीं थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग नहीं थी। चलिए अब एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन करेंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। अभी जो करंट सिस्टम है वो है जीएसटी। इससे पहले का सिस्टम था वैट और सीएसटी का सिस्टम और सर्विस टैक्स का सिस्टम, है ना? या मैं वैट और सर्विस सीएसटी बोल दूं। उससे पहले जो सिस्टम था वो था आपका, मैं ये सीएसटी भी हटा देता हूं यहां से, वैट का सिस्टम था मेजरली, और उससे पहले सिस्टम था सेल टैक्स का। जरा देखिएगा, सेल टैक्स हिंदुस्तान में 2004 से पहले था, प्री 2004। वैट हमारे देश में 2004 से 2017 रहा, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जीएसटी आया। अभी जीएसटी के बारे में पता ही नहीं, मैं आपको वैट बता रहा हूं, और वैट से भी पहले एक सेल टैक्स सिस्टम था। मैं क्या कर रहा हूं, ये आज आपको ना सेल टैक्स सिस्टम बता रहा हूं जो क्या होता था, सुनिए मेरी बात। फिर वैट सिस्टम पे आए हम, और फिर हम जीएसटी सिस्टम पे आए। तो आज हम क्या कर लेंगे, सेल टैक्स कर लेंगे और वैट कर लेंगे, अगली क्लास से हम सीधा जीएसटी पे धावा बोलेंगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने पावर्स देखी, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस की पावर और स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस की पावर। अब मैं आपको बिल्कुल जैसे इज लाइक द ग्रैंड फादर, ही इज द सन और इज अ ग्रैंड सन, जीएसटी इज अ ग्रैंड सन, लेटेस्ट वर्जन। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल सेल टैक्स का दे रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ सेल टैक्स सिस्टम। अच्छा जो सेल टैक्स सिस्टम था वो प्री 2004 में लगता था, सेल विद इन स्टेट, यस सेम स्टेट में सेल हो, सेल विद इन स्टेट उस पे लगता था, सेल विद इन स्टेट। जैसे वैट लगता है अब तो जीएसटी लगता है, उससे पहले लगता था सेल टैक्स सिस्टम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मैं सेल टैक्स का टैक्स रेट ले रहा हूं 10%, सेल टैक्स का टैक्स रेट ले रहा हूं 10%, और मैं चार
चार लोगों का एग्जांपल ले रहा हूं। जनरली एक सेल में पहला होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा होता है होलसेलर और चौथा होता है रिटेलर। किसी भी सेल में चार मिनिमम स्टेजेस होती हैं, मैन्युफैक्चरर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, यस माय डियर फ्रेंड्स, होलसेलर की और रिटेलर की। किसी भी सेल में ये चार स्टेट्स होती हैं या चार स्टेजेस होती हैं। मैं ये मान रहा हूं कि एक आयरन की अलमीरा, लोहे की अलमीरा बनाने का काम हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर है वो लोहे की अलमारी बना रहा है, गोदरेज वाले हो सकते हैं। इनकी परचेजेस ऑब्लिक एक्सपेंसेस मैंने 8,000 रुपये लिए, इनकी परचेजेस नहीं होंगी, मैं ये मानता हूँ लोहा वोहा सब ये खुद बनाते हैं, तो इनके परचेज या एक्सपेंसेस 8,000 आए। सुनिएगा बात, फिर कॉपी करना। प्रॉफिट 2,000 रुपये का रखा और इनकी कॉस्ट विदाउट टैक्स, विदाउट सेल टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स सिस्टम था सबसे पहले, वो 10,000 बैठा। अच्छा, कॉस्ट विदाउट टैक्स सेल, और सेल टैक्स लगेगा क्योंकि जितनी बार माल बिकेगा और सेल टैक्स का रेट मैं 10% ले रहा हूं, तो वो 1,000 रुपये हो गया। और कॉस्ट या सेलिंग प्राइस कह लो, अब तो सेलिंग प्राइस ही निकल के आ गई, बल्कि सेलिंग प्राइस विद टैक्स वो बैठ गई 11,000 रुपये। ये अलमारी 11,000 की बिकेगी डिस्ट्रीब्यूटर को और सेल टैक्स टू गवर्नमेंट कितना मिलेगा पहली पे गवर्नमेंट को जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, 11,000 रुपये का चेक कैश उसके पास आएगा, तो सेल टैक्स कितना गवर्नमेंट को मिल जाएगा? बताएंगे आप? माइक पे हूं मैं। इलेवन हंड्रेड क्यों? सेल तो 11,000। हाँ, तो 1,000 रुपये ले तो लिए टैक्स के, ये जमा करवा देगा गवर्नमेंट को बस। मेरा माल तो भाई, मैं तो मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर जमा कितना करवाएगा? मैन्युफैक्चरर का जो बिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो बिल तो ये जाएगा ना, 10 का माल है 11,000 का बेचा है, बिल ये जाएगा, तीन चीजें जाएंगी बिल में। अब मैकडोनल्ड बर्गर खाने जाते हो, वो 10,000 प्लस जीएसटी प्लस आता है, जीएसटी का पैसा वो जमा करवा देंगे गवर्नमेंट को। अब जीएसटी लगता है, जैसे आपने देखा होगा, मैं उस वक्त सेल टैक्स मान रहा हूँ 10% का, तो 10 मिले हैं ना उसको, अपने लिए मिले हैं 1,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए मिले हैं, और 10 में से सुनिए 8 की लागत है, 2,000 प्रॉफिट है उसका, 10 में से ये हो गया 8 के 8 जो खर्चा किया था वापस निकल गए, 2,000 बच गए। कितने की, अच्छा परचेज बताइएगा, डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस क्या होगी? 11,000 रुपये। ये 4,000 का जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन देगा कितना हो गया माल, 15,000 रुपये, और 10% सेल टैक्स कितना, 1,500 रुपये, 16,500 रुपये, और गवर्नमेंट को कितना जमा आएगा, 1,500 रुपये। ये ऐसे होता है जी इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। आप बताएंगे जी, आप होलसेलर की लागत, बिल्कुल सर, 16,500, 3,500 में अज्यूम कर रहा हूं, तो इसका 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, सेल टैक्स कितना, 2,000 रुपये, ये 22,000 आ गया, और गवर्नमेंट को कितना मिल गया, 2,000। हाँ जी, इसकी लागत कितनी आ गई, रिटेलर साहब की लागत 22,000, बहुत बढ़िया 22,000, और प्रॉफिट कितना, वो अज्यूम कर रहे हैं 8,000, 30,000 और 3,000, 33,000, 3,000, और टोटल सेल टैक्स गवर्नमेंट को चारों स्टेज पे कितना मिला, टोटल सेल टैक्स मिला 7,500। एक अलमारी 11,000 की जो बनी, गोदरेज ने बनाई, रिटेलर कितने की बेच रहा है,
33,000 की, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना, 11,000 की चीज तिगुनी प्राइस में हो गया, हाया ना? आपको ये सिस्टम क्या लग रहा है, क्या 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 लग रहा है? बढ़िया है कि खामी है इसमें, क्या है इस सिस्टम? टैक्स पे टैक्स जुड़ता जा रहा है। यस यस, एक सेकंड बच्चों, टैक्स पे टैक्स जुड़ता जा रहा है, इसको क्या नाम देते हैं? इसको एक नाम देते हैं, टैक्स पे टैक्स जुड़ने को एक नाम देते हैं हम। एक सेकंड बच्चों, हाँ डबल टैक्सेशन कह लीजिए, टेक्निकल वर्ड देते हैं, एक सेकंड, इसको टेक्निकल वर्ड देते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो लिखिएगा इसको, कैस्केडिंग इफेक्ट, विच इज नोन एज टैक्स ऑन टैक्स। That is a good, that is goods which were taxed in earlier stage are again taxed on full selling price in the लेटर स्टेजेस। फर्क क्या है? टैक्स लगाने की प्रॉब्लम नहीं है, आप हर रोज मुझसे पढ़ रहे हो सर, हर रोज पढ़ाते हो आप, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मैं हर रोज आपको बार बार वही चीजें पढ़ाऊं जो आप पढ़ चुके हो। अगली क्लास में मैं आपको बेसिक करवाऊं और फिर आगे नई चीज पढ़ाऊं, तीसरी क्लास में 2 क्लास को पढ़ाऊं फिर तीसरा पढ़ाऊं, चौथी क्लास में 3 क्लास का पढ़ा रखा दोबारा पढ़ाऊं और चौथे का पढ़ाऊं। पांचवी क्लास में आओगे नहीं? क्या मतलब सर? अरे बाबा, हर बार टैक्स होने की प्रॉब्लम नहीं है, अब फुल सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगाए जा रहे हो। पहले हमने 10 पे टैक्स लगाया, सुनो मेरी बात, 11,000 बना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 11 में, सुनिए मेरी बात, ये ऑलरेडी टैक्स आइटम है या विदाउट टैक्स आइटम है, बताइए? 11,000 टैक्स आइटम है, विदाउट टैक्स आइटम है। अब आपको 15 पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, किस पे लगाना चाहिए था, सोच के बताओ, अगर कैस्केडिंग इफेक्ट दूर करनी है तो। ये जो 10% लग रहा है, मेरे हिसाब से 10% ऑफ 4,000 होना चाहिए था, 400 रुपए का टैक्स, हाँ या ना? क्योंकि जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उस पे टैक्स लगना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट से सेकंड में आते हो तो सेकंड की टीचर फर्स्ट का नहीं पढ़ाती, सेकंड से थर्ड में जाते हो तो थर्ड की टीचर फर्स्ट और सेकंड का नहीं पढ़ाती, जब आप फोर्थ में आते हो तो फोर्थ की टीचर फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं पढ़ाती, वो अपना नया ऐड करती है। अब आप जीएसटी पढ़ रहे हो मुझसे, उससे पहले आपने इनकम टैक्स पढ़ा, और मैं इनकम टैक्स के सारे चैप्टर पहले शुरू करवाऊं जीएसटी पढ़ाने से पहले, आप अपने बाल खींच लोगे या किसी पागल खाने में भर्ती हो जाओगे, क्योंकि सर आप क्या कर रहे हो ये काम। तो यानी कि आप वैल्यू एडिट पे टैक्स लगाओ, जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो। कैस्केडिंग क्या क्या मतलब है? डबल टैक्सेशन हो रहा है सेम अमाउंट पे, जब भी मैंने बोला टैक्स ऑन टैक्स ऑन द फुल सेलिंग प्राइस। अब मान लो ये जो 20,000 रुपये है इसके अंदर, सॉरी ये 16,500 है, इसमें ये 16,500 दो बार टैक्स होके आ चुके हैं, अब तीसरी बार टैक्स लगा दिया। अब ये 22,000 रुपये है, अब यहां पर 1, 2, 3, 3 का टैक्स लगा दिया। जितनी बार माल बिक रहा है उतनी बार टैक्स लगाया जा रहा है, दिस वॉज द मेजर लिमिटेशन। इसके कारण नुकसान क्या होंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट का नुकसान क्या होगा? हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स, लिखो हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन, यस माय डियर फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन। तीसरा लो डिमांड, गुड्स की लो डिमांड होगी क्योंकि जब हाई प्राइसेस होंगे। चौथा एक्सेस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के टैक्सेस देखो बाबा, रे बाबा, 7,500 33 साल में 25% टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, और कहाँ टैक्स का रेट 10% है, और सारा बर्डन किस पे पड़ रहा है?
सारा बर्डन टैक्स का पता है किस पे पड़ रहा है? ऑल बर्डन ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर पे बर्डन पड़ रहा है। देखो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पे पड़ रहा है, वो लास्ट में बियर कर रहा है सारा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो इस स्टेज पे लोगों को ये लगेगा यार यार मतलब इतनी महंगी चीजें बन रही हैं, इतना महंगा बिक रहा है, तो भाई स्टेजेस को कम किया जाए। तो मैन्युफैक्चरर्स बोलेगा मैं ही बेचने स्टार्ट कर देता हूँ, कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर को हटाओ, सस्ती में माल बिकेगा। और भाई डिस्ट्रीब्यूटर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, होलसेलर की रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर स्टेजेस कम कर दें? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सुनिए, वैट इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने कहा टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट, आइए जरा, टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट इन ईयर 2004 वैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ सेल टैक्स। माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ सेल टैक्स। अब ये सेम क्वेश्चन, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज। सेम क्वेश्चन हम करने वाले हैं वैट में। आइए जरा किस प्रकार से वैट सिस्टम वॉज गुड मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो हमारी हिस्ट्री आज खत्म हो जाएगी ना उसके बाद, एक सेकेंड का टाइम दीजिए। हाँ जी, आपके साथ शेयर भी कर लें स्क्रीन, तो आपको समझ आ जाए सारी बातें। यस, आ जाइए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट, अब चारों वही कॉलम बनाइए, वैट की ब्यूटी समझा रहा हूं मैं आपको। आई यू लव कि वैट कितना ब्यूटीफुल सिस्टम था। तो सेल टैक्स सिस्टम की खामियां तो समझ आ गई, अब वैट सिस्टम बढ़ा के उसकी खामियां, फिर जीएसटी, वही चारों बनाओ, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड माय डियर फ्रेंड्स रिटेलर। और मैं वैट का रेट 10% ही ले रहा हूं। वैट कैसे काम करता था देखिए, एक्सपेंसेस ऑब्लिक परचेजेस, सेम टू सेम एग्जांपल विदाउट कैस्केडिंग इफेक्ट। 8,000 रुपए एक्सपेंसेस परचेस, 8,000 रुपए प्रॉफिट कितना लिया था बच्चों हमने, देखना जरा मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट कितना लिया था, 2000। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विदाउट टैक्स कितना बना बेटा, 10,000 रुपए। अब यहां पर जो टैक्स लगेगा उसको क्या नाम देंगे, जल्दी बोलो, वैट। कितना परसेंट? 10%। वो भी ऐसे लगेगा सेलिंग प्राइस पे। सर जब सेलिंग प्राइस पे लगाओगे तो फर्क क्या लगा, अभी बताऊंगा ना, देखो इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस विद वैट कितना, 11,000 रुपए। सेलिंग प्राइस विद वैट 11,000। अब जरा देखिएगा यहां पर टैक्स टू द गवर्नमेंट ऐसे नहीं निकलेगा, यहां पर एक चीज लिखेंगे नीचे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों आउटपुट वैट, सुनो मेरी बात, समझाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इनपुट वैट और वैट पेबल टू गवर्नमेंट। आउटपुट वैट का मतलब पता है आपको क्या होता है, कुछ आइडिया है, व्हाट इज आउटपुट वैट, क्या होगा आउटपुट वैट बता सकते हो आप लोग? हाँ, आउटपुट वैट वो है जो हमें सरकार को पे करना है, बताओ कितना होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। और इनपुट वैट क्या होगा?
इनपुट यहां पर है ही नहीं, क्योंकि ये तो उत्पादक है, इसने तो कहीं से माल लिया ही नहीं, तो इसने तो माल कहीं से लिया ही नहीं, तो इसका इनपुट कितना है? निल। अब वैट गवर्नमेंट को जमा करवाना इनपुट माइनस करके, तो कितना जमा होगा? लेकिन यहां पर आपको अभी समझ कुछ आएगा ही नहीं सर, क्या हो गया ये, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आप देखो खाली। सेकेंड स्टेज से मैं आपको बताऊंगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस बताओ। सारे बच्चे प्लीज दिमाग लगाइएगा, 15 मिनट और लेंगे, बिजली चली गई थी, 15 मिनट में कवर करूंगा। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस बताइए क्या होगी? नहीं, यही तो ब्यूटी है, हम बोलेंगे 10,000। क्यों 10,000? क्यों? अब बताए क्या होगा देवेन और सारे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री क्या पास करेगा, ये देखिएगा, ये बड़ा ब्यूटीफुल तरीका है। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा मैं एंट्री पास करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, सुनते रहना, 10,000 इनपुट टैक्स अकाउंट 1,000, टू उसने पे किया होगा बैंक मान लो 11,000। गवर्नमेंट कहती है भाई तूने 11 दिए ना, तू लागत 10 दिखा। 1,000 रुपये जो तूने टैक्सेस दिए हैं, 1,000 रुपये जो तूने टैक्सेस दिए हैं, उसको ये मान ले कि वो तेरा इनडायरेक्टली 1,000 रुपये तेरा इनपुट है। सर इनपुट है मतलब, अरे बाबा सरकार कह रही तूने 1,000 टैक्स दिया है ना, और ये टैक्स गवर्नमेंट का पहुंच गया है, गवर्नमेंट इसका सेट ऑफ दे देगी, गवर्नमेंट इसका क्रेडिट दे देगी। सर नहीं समझ आया, एक और एग्जाम्पल, बिग बाजार गए 11,000 की शॉपिंग करी, बिग बाजार वालों ने कहा हम आपको 1,000 रुपये का, यस हम आपको 1,000 रुपये का कूपन देते हैं, ठीक है। वो 1,000 का कूपन आप अगली बार जब शॉपिंग करने आओगे आपका कम हो जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा आपका खर्चा शॉपिंग का कितना। आपने हमसे क्लासेस ली, हमने कहा 2,000 का कूपन, अगली बार आप दूसरी क्लास लेना है उसमें कम हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ द क्लास 10 है या 8 है प्लीज बताइएगा। हाँ, इसी तरीके से जब आप खरीद पे टैक्स दे रहे हो, सरकार कह रही है उसका कैशबैक मिल जाएगा। अच्छा, स्विगी से मंगवाते हो आप लोग खाना, स्विगी या जोमैटो से? सॉरी, आप बाकी बच्चे मंगवाते हैं? नहीं मंगवाते आजकल, तो मुझे भी बड़ा चस्का चढ़ा हुआ 2 साल से, है ना? नहीं नहीं मंगवाते, एक बार मंगवाया। अच्छा, कभी कभी, ठीक है। उसमें ना स्विगी और जोमैटो में क्या होता है, अगर स्कीम्स आती रहती है बीच में कि आपको वॉलेट से मंगवा लो, पेमेंट है वॉलेट से कर लो, पेटीएम से या अमेजन पे बैलेंस 30 रुपीज कम हो जाएगा, तो क्या होता है हम 100 रुपये पे करते हैं, 30 रुपीज कैशबैक आ जाता है अमेजन पे पे, तो मेरे लिए खाना कितने का पड़ा? 70। क्या ये क्रेडिट वैट में सेल टैक्स में था? नहीं, सेल टैक्स में तो गवर्नमेंट कहती है भाई जितना लगा दिया उतना जमा करवाओ, हमें नहीं मतलब, कोई कैशबैक नहीं, लेकिन वैट में कैशबैक मिल जाता है। और कैशबैक कैसे मिलता है? जब आप माल बेचोगे उसमें से आप 1,000 रुपये रोक लेना, तो गवर्नमेंट कहती है अभी 1,000 रुपये आपने दे दिए, ये एडवांस है, ये हमारे पास तुम्हारे एडवांस में जमा हो गए, इसको आप डेबिट करके एसेट बना लो, और जब आप जमा करवाने लगो उसमें काट लेना। अब सुनो जरा, सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, ये 10,000 में से 3,500 रुपये था शायद उसका मार्जिन, देखना 4,000 था, 4,000 मार्जिन था, जरा देखे 4,000 कितना हो गई टोटल कॉस्ट, 14,000। वैट लगाना कितने पे? वही 10% सेलिंग प्राइस पे लगेगा, सुनो मेरी बात, 15,400। अब ब्यूटीफुल सिस्टम देखना, आउटपुट वैट बताओ कितना है इसका, इनपुट वैट कितना है, और गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा करवाएगा? 400 रुपये। जो टैक्स पहले 1,500 रुपये जा रहा था दूसरे स्टेज पे, अब कितना जा रहा है? 400 रुपये। और हम यही तो चाह रहे थे, सुनो, हमने यही तो कहा था कि 400 रुपये जाना चाहिए सेकंड स्टेज पे, देखो हमने कहा था 10% ऑफ 4,400 पहुंचना चाहिए गवर्नमेंट के पास, आपने 4,000 ऐड किए, 400 रुपये दो, और यहां पर भी ये हुआ, देखो जरा, तो आपने लगाया तो टैक्स,
लगाया तो टैक्स परचेज प्राइस प्लस प्लस मार्जिन पे, ये मार्जिन है भैया तुम्हारा, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट का पहुंचा कितना 400, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना कम शुरू हो गया। यहाँ पर सेल की एंट्री पता है क्या पास करोगे, सेल की, देखो सेल की एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट बेटा 15,400, 15,400 टू सेल्स, 14,000 टू आउटपुट टैक्स 1,400, आउटपुट टैक्स 1,400। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, एक सेकेंड, लाइट चली गई थी या कुछ हुआ था क्या, कुछ कुछ कनेक्शन कम हो गया। हाँ जी, तो अब देखिएगा, जब आप टैक्स जमा करवाओगे, पहली एंट्री तो ये, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री आउटपुट टैक्स 1,400 टू, अब इसका क्रेडिट ले लेना भाई, इनपुट टैक्स कितना 1,000 रुपये और टू वैट पेबल, कितना वैट पेबल हो गया बच्चों 400, और फिर जमा करवा दो वैट कितना, वैट पेबल टू बैंक। ये अगर आपको समझ आ गया ना तो जीएसटी भी समझ आ जाएगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं टेंशन पे करना। तो आउटपुट टैक्स 1,400, इनपुट टैक्स 1,000, वैट पेबल 400, वैट पेबल डेबिट टू बैंक, तो यानी कि जो परचेज पे दिया हुआ टैक्स है उससे ऊपर का टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है, ऐसे याद कर लो। 1,000 दे चुकी हो, अगर आपने बिक्री करी 1,200 टैक्स आया तो 200 गवर्नमेंट को देना, 1,200 आप ले तो लोगे क्लाइंट से लेकिन आप 200 दोगे, 1,300 की आपने बिक्री करी टैक्स लगा के 1,300 का टैक्स, 1,000 दे चुकी हो 300 देना, ये फायदा हो रहा है। तो आपको एक्सेस, जैसे अभी 10,000 की फीस दी इंटर लेवल पर, अब फाइनल लेवल में आ गए, फाइनल की फीस है 15,000, आप 5,000 एक्स्ट्रा दोगे, खाली 10 आप ले चुके हो, ऐसे फायदा हो रहा है, यानी कि दोबारा 15 देने पड़ेंगे, ऐसा सिस्टम हो जाए तो मजा ना आ जाए। अच्छा जी, अब लागत बताइएगा, हमारे होलसेलर की लागत बताइएगा, खरीदी मतलब कितने का वो अमाउंट परचेज में दिखाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना मार्जिन 18,500 और 10% 1,850, ये हो गया, कुछ गलती हुई है शायद हमसे, 14,000 है बेटा, 15,000 कैसे हो गया, 14,000 होगा शौर्य, क्या कर रहे हो, 14,000 रुपये, और 3,500 का मार्जिन है 17,500, 1,750, 19,150, जरा देखना जरा एक बार, कुछ गलती ना हो रही हो, या 250 है शायद, और गवर्नमेंट का आउटपुट टैक्स बताना है इसका, डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स 1,750, इनपुट टैक्स 1,400 और गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगा 350। अब ये 350 देखो वैल्यू एडिशन पे आ गया, मेरे क्वेश्चन मन में ये आ रहा है, पूछूं आप लोगों से, थक गए आप लोग, कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, बस 5 मिनट की और बात, ये बताओ सीधा ही हमने 350 रुपये क्यों नहीं लगा दिया यार, यहां पर सीधा ही हमने यहां पर 400 रुपये क्यों नहीं लगा दिए, पहले लगाएंगे क्रेडिट लेंगे, जैसे सुनो 100 रुपये का ऑर्डर करो 30 रुपये कैशबैक आता है, अरे 70 रुपये चार्ज कर लो भाई, समझ रहे प्रॉब्लम, कैशबैक दे रहे हैं बाद में, बोल रहे बाद में ले लेना, तो पहले कम लगा लो, ये मेरा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले आप क्रेडिट दोगे, पहले पूरे पे लगाओ फिर माइनस कर लो, बैलेंस जमा करवाओ, तो पहले 350 लगा लो यार, ऐसा क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ये है मेरा, अल्टीमेटली 1,400 दे दिए, 1,750 लगाए, 350 जमा करवाए, तो सीधा 350 ही लगाओ, सीधा 400 ही लगाओ, आंसर करो भैया, व्हाई डोंट गवर्नमेंट डायरेक्टली लेवी
400 और 350। आंसर तो दे दो। आंसर दो भैया, नहीं दे पा रहे। नहीं मतलब ये पहले सेल टैक्स में तो बड़ा सिंपल सिस्टम था, पूरे सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगा दो। कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, कोई कैशबैक नहीं, बात खत्म। डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, फोर टाइम टैक्सेशन, बात खत्म। वैट में कहते हैं आप टैक्स पूरा लो क्लाइंट से, पूरा क्लाइंट से, कस्टम से पूरा टैक्स लो, बाद में जो आपने खरीद पे दिया वो रोक लो और बैलेंस जमा करवा दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हम पहले ज्यादा लगाते हैं फिर कम करते हैं। मेरी फीस 12,000 है, मेरी फीस 12,000 है और मैं बोल रहा हूं मैं आपको 2,000 का कैशबैक दूंगा। पहले आप 12,000 दे दो, फिर 2,000 में अगली बार आप जब फीस पे आओगे जब कम करूंगा। तो आपने कहा से पहले ही कम कर लो ना, 10 की फीस पहले ही कर दो। क्वेश्चन ये है मैं क्यों नहीं कर रहा ऐसे, क्योंकि हो सकता है दोबारा ना हो, समझो। एक तो मुझे ही नुकसान है, दूसरा दूसरा सुनो मेरी बात, आपकी जब आप क्रेडिट लोगे ना, जब भी आप ये माइनस करोगे 1,000 रुपये, तो हम चेक कर लेंगे किसको माल बेचा, किससे माल खरीदा, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में क्रेडिट देना। तो वो 2,000 का कूपन जो मैं दूंगा, एक तो मेरी सेल बढ़ेगी अगली बार, तो दोबारा आओगे मेरे पास 2,000 के कूपन के चक्कर में, फिर मैं ये लिंक कर पाऊंगा तुमने कौन सी क्लास ली, कहाँ ले ली। अगर मैं पहले डिस्काउंट दे दिया तुम्हें तो मुझे ना लिंक नहीं कर पाऊंगा मैं, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं पहले ही 400 रुपये पे टैक्स लगा देता, 14,400 को पहले सेल कर देता और खाली 400 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाने होते, तो तुम हेरा फेरी कर सकते थे। तुम 400 की जगह 300 ही लगाते, 300 की जगह उसे 250 लगाते, और मेरा मार्जिन इतना ही है। आप बोलते हैं पता है क्या करते, ये मेरा 4,000 का मार्जिन नहीं होता सर, मेरी मेरा मार्जिन खाली 2,500 का है, पर मैं तो 250 लगाऊंगा। तो गवर्नमेंट का ना ना बेटा ना, लगाना तो तुझे पूरे पे है, सुनो मेरी बात, बाद में क्रेडिट लेना। इससे गवर्नमेंट मैच कर पाएगी किससे खरीदा किसको बेचा, लिंक कर पाएगी, क्योंकि मेरे पास कूपन आएंगे, फिर मैं देख पाऊंगा क्या तुमने क्लासेस के लिए पेमेंट करी थी नहीं करी थी। तो गवर्नमेंट अगर सारे ही आपको डिस्काउंट पहले दे देगी तो लोग उसमें हेरा फेरी खूब करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भाई वैट के अंदर पूरे पे टैक्स लगेगा, फिर अपने आप अकाउंट्स बना लेना कितना खरीद पे दिया कितना बिक्री पे मिला, वो रोक के फिर गवर्नमेंट को जमा करवाना। तो गवर्नमेंट का नियंत्रण रहेगा इस बहाने आपके ऊपर, दैट इज द ओनली रीजन। हाँ जी अब बताइएगा रिटेलर की परचेज प्राइस। ये लास्ट क्वेश्चन है, रिटेलर की परचेज प्राइस। 17,500। सब बच्चे बताएं रिटेलर की परचेज प्राइस। 17,500। बहुत बढ़िया, और इसका मार्जिन बताओ भैया। 8,000 और 25,500। अब ये 10% पूरे पे लगाएगा, 2,550, 28,050। इसका आउटपुट टैक्स बताओ, और आउटपुट टैक्स बताओ 2,550, इनपुट टैक्स बताओ 1,750, गवर्नमेंट को जमा कितना करवाएगा 800। तो जब ये रिटेलर मुझे अलमारी बेचेगा 28,050 की, तो मुझसे इसको 2,550 रुपये मिलेंगे, खरीद में ये 1,750 दे चुका है, तो सरकार को 800 रुपये जमा करवाएगा। जमा करवाएगा तो सरकार का नियंत्रण रहेगा किससे खरीदा, विद बिल खरीदा, विदाउट बिल खरीदा, किसको बेचा। तो गवर्नमेंट बोलेगी क्रेडिट दे तो देंगे, पहले डिटेल्स भेज सारी। तो ये 1,750 की डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजेगा, 2,550 की डिटेल गवर्नमेंट को भेजेगा, मेरा नाम भेजेगा, कस्टमर का नाम भेजेगा, तो सारी चीजें होंगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर पहले हमने कम कर दिया तो। अच्छा टोटल टैक्स कितना मिला गवर्नमेंट को, टोटल वैट टू गवर्नमेंट बताओ। 2,550, और 2,550 का ही बर्डन देखो क्लाइंट पे पड़ा, कस्टमर पे पड़ा। अलमारी महंगी बनी सस्ती बनी सेल टैक्स के कंपैरिजन में, सेल टैक्स के कंपैरिजन अलमारी में सस्ती बनी, कहाँ 33,000 की अलमारी थी यहाँ पर 28,000 बनी। कैस्केडिंग इफेक्ट है नहीं है, तो लिखो एडवांटेजेस ऑफ वैट, लिखो भाई एडवांटेजेस ऑफ वैट।
एडवांटेजेस ऑफ वैट, एक नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग, नो इन्फ्लेशन, लेस प्राइसेस, रिलीफ टू द कस्टमर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम में भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स होंगी. अगर ये शॉर्ट कमिंग्स नहीं होती तो फिर जीएसटी क्यों आता? 2004 से ही जीएसटी लाने की गवर्नमेंट ने तवज्जो स्टार्ट कर दी थी. ये करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि वैट से कैसे हम जीएसटी तक पहुंचे, वैट से हम जीएसटी तक कैसे पहुंचे. अब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, एक बार आइएगा, पेन वेन सब छोड़ दीजिएगा. बच्चों आज हमने ये कॉपी कर लो एक बार, नो कैस्केडिंग, नो इन्फ्लेशन, लेस प्राइसेस, रिलीफ टू द कस्टमर. आइए बच्चों आज हमने स्टार्ट किया अपनी कहानी. अच्छा लिखा ही नहीं बेटा, लिखो लिखो लिखो, पहले एक ये कॉपी किया, सॉल्यूशन नहीं कॉपी किया, ये सॉल्यूशन. अच्छा ये बात, ये लो जी करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं बेटा, करो कोई जल्दी नहीं है. ये एंट्रीज थी सेकंड स्टेज वालों की, यानी कि परचेज प्राइस में टैक्स नहीं दिखाना, सेलिंग प्राइस में भी टैक्स नहीं दिखाना. तो परचेज और सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, और परचेज भी मेरा बेटा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स. जो टैक्स दिया वो एडवांस है, जो सेट ऑफ हो जाएगा, ये सेट ऑफ, सेट ऑफ हो जाएगा आउटपुट टैक्स से. और नेक्स्ट कक्षा में वैट की शॉर्टकमिंग बता के जीएसटी पे धावा बोलेंगे. तो एक बार 2 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे, फिर आपकी क्वेरीज लेंगे. बच्चों जो हमारा पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें खामियां ये थी, एक तो मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल इन्फ्लेशन हो जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था. गवर्नमेंट ने ये नहीं कि ठीक करने की कोशिश नहीं करी, वैट लेके आए. वैट में भी बढ़िया सिस्टम ये हुआ कि आउटपुट का टैक्स इनपुट टैक्स से माइनस हुआ और रिमेनिंग टैक्स आपने जमा करवाया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, इन्फ्लेशन खत्म हुआ. लेकिन कुछ ना कुछ कमियां वैट में भी रह गई होंगी, क्योंकि वैट सिस्टम देखने में तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, इसमें तो मुझे देखने में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपके 33,000 की अलमारी कहाँ 28,000 की रह गई. 7,500 टैक्स गवर्नमेंट लेती थी, अब 2,500, 1/3 गवर्नमेंट ने टैक्स लिया. तो ये सिस्टम तो देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इस सिस्टम में ऐसी क्या कमियां आई 2004 के बाद गवर्नमेंट को जीएसटी लाना पड़ा, तो वो हम करेंगे अगली क्लास से. मैं आ रहा हूँ, आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो बताइए प्लीज. नो डाउट सर, कोई डाउट नहीं है.